डियर स्टूडेंट, अगर आप 2024 में इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप साइंस कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश में आपको नंबर अच्छे लाना है तो समरी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको 5 इम्पॉर्टेंट समरी बताऊँगा, उसको तैयार कर लीजिएगा और उससे बाहर आपका एग्ज़ाम में आ ही नहीं सकता। मतलब वो 5 समरी में से ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। अब इस वीडियो के दौरान मैं आपको एक बोनस टिप्स दूंगा, जिसे समरी याद करने का मन नहीं करता या फिर जो समरी लिखना नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं समरी ना लिखूं, फिर भी हम 100 नंबर के क्वेश्चन 100 नंबर का अटेम्प्ट करूं, तो आप बहुत आसान से कर सकते हैं और 95+ स्कोर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको, जैसा कि बताया, ये जो बता रहा हूँ ये साइंस कॉमर्स और आर्ट्स तीनों तरह के स्टूडेंट के लिए यूजफुल होगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, बिहार बोर्ड ने अभी मॉडल पेपर अपलोड मतलब जारी किया था, तो उसमें देखिए यहाँ पे क्या क्या है। साइंस कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए एक ही मॉडल पेपर को दिया है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपके एग्ज़ाम में जो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे वो साइंस के हों चाहे कॉमर्स के हों चाहे आप आर्ट्स के हों, तीनों का क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। अगर अलग भी आएगा ना, तो आपको जितना बता रहा हूँ उतना ही करना। हर बार मैं ऐसे ही बताता हूँ और ये जो समरी बताता हूँ बिल्कुल एग्ज़ाम में टक्कर मारेगा, जाकर टकराएगा, ठीक है, क्योंकि हर साल मैं बताता हूँ और जिनको पता है उसको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, पोएट्री का मैंने लिखा है, तो पोएट्री से आपको 3, अगर आप कम से कम याद रखना चाहते हैं तो 3 समरी आपको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे पहला है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, दूसरा है 2 ऑटम और तीसरा है 1 एपिटाफ। तो आपको ये तीनों जो समरी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपको याद करके जाना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ प्रोज सेक्शन से, तो प्रोज सेक्शन से भी आप 3 समरी रख लीजिए। भारत इज माई होम, आई हैव अ ड्रीम और द अर्थ, ये जो 3 बताया हूँ ना बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, इसके बाहर समरी का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। मैंने पूरा टोर मरोर के जोर जार के समझ बूझ के मॉडल पेपर और पिछले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं उसके बाद आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इतना तैयार करके जाना है। अब आगे बात करें तो जो लोग समरी पढ़ना नहीं चाहते, समरी को लिखना नहीं चाहते, याद करना मुश्किल लगता है, तो ये जो वीडियो है ना, दूसरा नंबर वाला, ये वाला देखिए, ये वीडियो का लिंक मैं नीचे कमेंट में दे दूंगा, इस वीडियो को देख लीजिए। आप अगर समरी ना भी याद करते हैं ना और समरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट ना भी करते हैं, तो इसके जगह पे दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, तो भी आप 100 में से 100 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और 95+ से ज़्यादा ले आएंगे। तो ये वीडियो नीचे डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में इसका लिंक, इसको एक बार देख लीजिएगा। आगे बात करूं तो अगर किसी को समरी याद ही करना है तो यहाँ पे एक एक समरी और बढ़ा दिया हूँ, है ना। यहाँ पे मैंने कौन सा बढ़ाया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ देखिए, और प्रोज सेक्शन में मैंने बढ़ाया है अ पिंच ऑफ स्नफ, तो फिर यहाँ पे हो जाते हैं 4, 4, 8। तो अगर आप समरी ही याद करना चाहते हैं और काफ़ी हद तक सेफ जोन में जाना चाहते हैं
मैंने आपको तीन तीन बताया ना, वो 99% वही आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं पूरी तरह से तैयार होके जाऊं, तो चार चार समरी यहां पे बता रहा हूं, दो ऐड किया है, एक प्रोज में एक पोएट्री में, इसको तैयार कर लीजिएगा। कहां से तैयार करेंगे? तो आपने मेरा ये जो गेस पेपर है, जिसमें मैंने पूरे सिलेबस को कवर करते हुए इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डाला है, उसी में समरी डाला हुआ है, ठीक है? तो वहीं से आपको तैयार कर लेना है। और जिन्होंने गेस पेपर नहीं लिया है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो समरी बाय बेल गुरुकुल, तो सारे समरी आ जाएंगे, ठीक है? तो वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। और जिनको गेस पेपर लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टूडेंट लोगों ने बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है, तो लेना है तो सिर्फ 6-7 दिन ही बचे हैं, 15 तारीख तक ही दूंगा। तो व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको यहाँ पे गेस पेपर मिल जाएगा। और अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप गेस पेपर लीजिए, और गेस पेपर को कम से कम 4 से 5 बार अच्छे तरीके से पढ़िए, आप 90+ स्कोर करेंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है? बिल्कुल बता रहा हूँ हर बार, क्योंकि ऐसे होता है, ठीक है? आप चैनल पे पिछले साल की वीडियो जाकर देख सकते हैं, समरी जो मैंने बताया था वही आया था, है ना? ऐसे जो बताया था वही आया था, और गेस पेपर भी देख सकते हैं, है ना? तो आप इसे ले लीजिए जिनको लेना है, और बाकी आप समरी को तैयार कर लेंगे। और जो मैं वीडियो बताया हूँ उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा रहा तो ऐसे का वीडियो बना दूँगा कि कौन कौन ऐसे आएगा, ठीक है? चलिए, बाय।